कंडाघाट में प्रदेश का इकलौता महिला बहुतकनीकी संस्थान है, जहां युवतियां शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस संस्थान की मुख्य विशेषता यह है कि संस्थान द्वारा यहां से उत्तीर्ण छात्राओं को स्वावलंबी बनाया जाता है, उन्हें अच्छे संस्थाओं में नौकरी लगवाई जाती है, जिसकी वजह से हिमाचल की युवतियां अन्य राज्यों की बजाय इसी संस्थान में शिक्षा हासिल करना चाहती हैं। यही वजह है कि इस संस्थान की सभी सीटें हमेशा भरी रहती हैं। आज भी महिला बहुतकनीकी संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर चुकी युवतियों का निजी कंपनियों द्वारा चयन किया गया, जिन्हें अच्छा वेतन भी कंपनियों द्वारा दिया जा रहा है, जिसके चलते महिला बहुतकनीकी संस्थान के सभी कर्मचारी और अधिकारी खुश हैं। ये जानकारी महिला बहुतकनीकी संस्थान के प्रधानाचार्य दिनेश बिंद्रा ने दी। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान की 9 छात्राओं का चयन परमाणु की जानी मानी निजी कंपनी में हुआ है, जहां उन्हें सालाना 2,19,000 का पैकेज दिया जाएगा, जो उनके संस्थान के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान यहां पढ़ने वाले सभी छात्राओं को अच्छे वेतन और औहदे पर नौकरी दिलवाता है। उन्होंने कहा कि उनके संस्थान की सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्राओं को अच्छी तालीम देकर उनका भविष्य बनाना है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 9 छात्राओं का चयन इंडस्फिंक्स लिमिटेड परवानों में हुआ है, जिसमें 6 छात्राएं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हैं और 3 छात्राएं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हैं। मैं उन सभी बच्चों, उनके परिवार, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं राकेश शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कंडाघाट से। आज हमारे 9 स्टूडेंट्स एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है परमाणु की, इंडस्फिंक्स परमाणु, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है CNC मशीन्स के पार्ट्स के लिए, राउटर्स के लिए और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स के लिए। तो उनमें हमारे 9 छात्रों का चयन हुआ है और जिनका लगभग जो ईयरली पैकेज है वो 2,19,000 के करीब है, यानी मंथली 18,250 के करीब उनकी सैलरी है। तो मैं अपनी ओर से विभाग की तरफ से इन चयनित छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस पेंडेमिक के दौर में भी इनका इस कंपनी में चयन हुआ है, और मैं इनका सुखद भविष्य की कामना करता हूँ।